आप भी अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप भी जब अपना इनरोलमेंट नंबर डाल रहे हैं तो इनवैलिड लिख करा रहे हैं? तो इसकी समस्या का कैसे समाधान होंगे? इस चीज़ को अगर आपका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहे हैं तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डिस्कस क्लास। हमारे डिस्कस क्लास में आप सभी को स्वागत है। यहाँ जो आज जो हम बात करने वाले हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड कहते हैं, वैसे स्टूडेंट वैसे कैंडिडेट जो एनआईएस से कर रहे होंगे उनके लिए बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन लाए हैं एडमिट कार्ड को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो आज जो हम बात करने वाले हैं, एडमिट कार्ड का डाउनलोड करते वक्त इनवैलिड दिख रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे हमको सॉर्ट आउट करने होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोगों ने कमेंट करके यहाँ पर पूछे। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखे इनवैलिड डिटेल्स दिख रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे इनरोलमेंट नंबर इनवैलिड शो कर रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम हेलो, यहाँ पर जो है इनवैलिड दिख रहा है, इनरोलमेंट नो आईडी कार्ड। यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है इन्होंने इनरोलमेंट नंबर भी डाले, डेट ऑफ बर्थ भी डाले, और इनके बाद जो है और एक पर्सन ने यहाँ पर भी इनरोलमेंट डाले, लेकिन डिटेल्स इनवैलिड बता रहा है। क्या गड़बड़ी हो सकती है? तो आइए इस विषय में हम लोग यहाँ पर बताने वाले। तो यहाँ पर जो ये कैसे शो करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से इसको जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते वक्त कहाँ पर यह जो है दिखते हैं। देख पा रहे हैं जैसे एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट पर आए तो यहाँ पर डीएलएड एग्जामिनेशन को लेकर है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं और जैसे यहाँ पर अगर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और जैसे डेट ऑफ बर्थ यदि आप सिलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर जैसे सबमिट करेंगे वैसे ही आपको इनरोलमेंट नंबर जो है इनवैलिड करके दिखेगा। आइए बताते हैं कि किस टाइप से शो हो रहा है। नंबर आप डालते हैं वैसे ही आप यहां पर देख पा रहे होंगे इनवैलिड डिटेल्स करके आपका आ रहे होंगे, जैसे कि इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है इनवैलिड डिटेल आपका आ रहे होंगे। तो यह डिटेल को किस प्रकार से ठीक किया जाए इसके विषय में ध्यान से समझिए कि यह जो है यह एनआईएस का ऑफिशियल से ही गड़बड़ी है, वहीं से ही इसका जो डाटा है, मतलब जो इनरोलमेंट नंबर है, इस इनरोलमेंट नंबर का जो है तरह तरह का इसमें रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन यह हो सकते हैं कि यह जो अपना इनरोलमेंट नंबर सही से नहीं डाल रहे होंगे, सबसे पहला, इसीलिए आप वहां पर जाकर देखिए। दूसरा है कि अपने वेबसाइट का ब्राउजर को क्लियर करके देखे। तीसरा रीजन यह हो सकते हैं इन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म को सही से नहीं भरे होंगे, या तो वहां पर कहीं पर छूट गए होंगे जिसके कारण इनका इनवैलिड डाटा हो रहेंगे। और तीसरा और नेक्स्ट जो कारण यह है कि वहीं से आपका एनआईएस जो सर्वर है वहां सर्वर में अभी तक सही से अपलोड नहीं की गई, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक दिन और रुक जाए, एक दिन के बाद करें तो आपका क्या होंगे कि पूरा का पूरा कंप्लीट सर्वर अभी अपडेट नहीं हुए, धीरे धीरे करके अपडेट किए जा रहे हैं। तो आप वेट करें, इंतज़ार करें, जैसे ही कंप्लीट अपडेट हो जाएंगे हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि अब अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, अब आपको इनवैलिड जो है किसी भी प्रकार का नहीं शो होने वाले। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि एनआईएस का जो मैनेजमेंट है, जो सर्वर जो देखते हैं, उनके पास यह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आपका जो है आपका इनवैलिड का जो शो हो रहे वो हट जाए प्रॉब्लम, और आप तक जो है डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने यदि आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिए तो इस वीडियो को लाइक ना करें, शेयर ना करें, ऐसा मत करिएगा। आप सभी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि उन टीचर्स के लिए जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं, उनको यह सोल्यूशन मिल जाए। इसीलिए आप सभी लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एनआईएस के मैनेजमेंट के पास जो है पहुंच जाए। ऐसा गलत सोच ना रखें कि मैंने तो अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिए, हम क्यों वीडियो को शेयर करें। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका जो है प्रॉब्लम जो है जिनका भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाए। तो वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।